रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अब आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहती है। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा मुचकुंद था। वह धर्मराज करता था। उसकी मित्रता भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि से थी। वह सत्य बोलने वाला और विष्णु का गहरा भक्त था। उसके एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम चंद्रभागा रखा। जब लड़की शादी के योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ कर दिया। एक बार चंद्रभागा अपनी ससुराल में थी, तब एक एकादशी का व्रत आया। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए वह एकादशी व्रत न कर सकेगा। इसलिए मैं भी ऐसा व्रत नहीं कर सकती हूँ, परंतु मेरा पिता भी कठोर आज्ञा है। जब एकादशी का दिन हुआ, तब राज्य में ढिठोरा पिटा। इसे सुनकर सोवन अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य मर जाऊंगा। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी में कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय, बैल आज कोई भी पशु अन्न ग्रहण नहीं करता है। तब फिर आप बताइए कि आप किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाओ। यदि आप यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें यह व्रत अवश्य करना पड़ेगा। सोवन ने उत्तर देते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, अब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस प्रकार सोचकर सोवन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा, तो सूर्यास्त हो गए और जागरण करने की रात्रि आई तो वह सोवन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही सोवन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में सुंदर रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गया था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। सोवन उस समय दूसरे इंद्र के समान शोभा दे रहा था। एक समय सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण मुचकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा को गया और घूमता घूमता उस स्थान पर आया। सोम शर्मा ने सोवन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया और वह उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा सोवन अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार कर अपने पास में बिठा अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों कुशल हैं। अब आप मुझको अपना समाचार सुनाओ, क्योंकि मुझे यह देखकर
बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर न तो मैंने कभी पहले देखा है और न कभी सुना है। सो आपको किस प्रकार से मिला? सोवन ने कहा, हे सोम शर्मा, यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अवुद्ध है। सोम शर्मा ने पूछा, हे महाराज, यह सब अधुभ कैसे है? अधुभ कैसे होगा? इस बात का रहस्य मुझे बताओ। सोवन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक रमा व्रत को किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए इसे अधूरा मानता हूँ। यह तुम इस वृतांत को चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे पूरा बना देगी। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर सब वृतांत चंद्रभागा को सुनाया। यह सब वृतांत सुनकर राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, के आप यह वृतांत आंखों देखकर सत्य सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है? सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा, हे राजकन्या, यह जो कुछ भी वृतांत मैंने कहा है वह सब अपनी आंखों से देखा प्रत्यक्ष है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है, परंतु वह नगर अधूरा है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिसमें वह नगर पूरा बन जाए। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रिंद, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ही ले चलिए। मैं अपने पद को देखना चाहती हूँ और मैं एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस नगर को पूरा बना दूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लिवा लाए। तब वामदेव ने मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति सोमन के पास चली गई। सोमन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग में बिठाया। अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, तभी से मैं एकादशी की व्रत कथा विधि से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर पूरा हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा और चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। हे धनुराज, ये मैंने तुमसे रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन केले का सागर होता है। जय हो रमा एकादशी की।